किटकैट की पैरेंट कंपनी नेस्ले पिछले 23 साल से हमारी इंडियन गवर्नमेंट को उल्लू बना रही है और ये पता होते हुए भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, पर क्यों? आइए जानते हैं। ये बात है 1999 की, जब चॉकलेट्स पर 20% टैक्स लगता था और वेफर्स पर बस 10%। तो जब टैक्स फाइलिंग की बारी आई तो नेस्ले ने गवर्नमेंट को कहा कि किटकैट तो बस एक वेफर है जो कि चॉकलेट से जस्ट कवर्ड है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात से इनकार किया तो ये केस मुंबई के कस्टम्स एंड एक्साइज ट्रिब्यूनल तक चला गया। लेकिन नेस्ले ने कहा कि हर कोको प्रोडक्ट लाइक कॉफी और बॉर्नविटा चॉकलेट नहीं होता और हर चॉकलेट कोको नहीं होता, और इस तरह नेस्ले ने एक चॉकलेट को वेफर बना दिया जिससे आज भी ये करोड़ों का टैक्स बचाते हैं। एक कोकोनट ऑयल कंपनी भी ऐसी चालाकी से करोड़ों का टैक्स बचाती है, कौन सी कंपनी? अगर समझ गए तो सब्सक्राइब करो।